everyone welcome to the class of indian partnership act 1932 today we will discuss some duties of partner but i have divided this topic duties of partner in various parts and today we will cover part 1 in part 1 i will be discussing with you 5 to 6 duties and there are many more duties of partners that we will cover in next part so starting with the very first thing if यू हैव राइट देन यू हैव ड्यूटी ऑल्सो अगर आप कहीं से किसी राइट right की डिमांड करते हो तो आप ओबलाइज हो वहाँ पर ड्यूटीफुल होने के लिए भी इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म एंड यू आर इंजॉइंग सर्टन बेनिफिट्स सर्टेन राइट्स देन देर इज ऑल्सो सम ड्यूटीज़ जहाँ पर आपको वो ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं या ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग अदर पार्टनर्स एंड टूवर्ड्स फर्म ऑल्सो सो वट आर दोज ड्यूटीज लेट्स डिस्कस दैम द वेरी फर्स्ट इज ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ओके एज यू कैन सी इट्स लाइक जब भी, भी आप कोई भी बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप का तो आपको वो पार्ट वो बिजनेस कैसे करना है उससे आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है कि वो एडवांटेज कॉमन एडवांटेज हो कॉमन मींस दैट प्रॉफिट जो भी होगा या उससे जो भी बेनिफिट्स आएंगे दैट आर टू बी शेयर्ड बाय एवरीवन उस प्रॉफिट में सिर्फ आपका ही हक नहीं होगा कॉमन मीन्स दैट्स फॉर ऑल पार्टनर्स सारे पार्टनर्स का उस पर हक है और आपको इस तरीके से ही उसको परफॉर्म करना है ओके okay, बच्चे

फर्म की कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए जो फर्म का आपका बिजनेस है वहाँ से वो प्रॉफिट ऐसा कमाया गया हो किसी भी पार्टनर द्वारा कहाँ से फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म या फ्रॉम द डैश ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए वो भी फर्म की ही प्रॉपर्टी हो सो दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी इन रिलेशन टू द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड अदर बेनिफिट आपने क्या लिए हो कि आपने बिजनेस वो प्रॉफिट एक तरीका तो क्या है कोई ट्रांजेक्शन से कमाया हो या कोई प्रॉपर्टी यूज करके कमाया हो या वो प्रॉफिट आपने कहाँ से कमाया हो बिजनेस कनेक्शन से कमाया हो ओके okay. किसी बिजनेस रिलेशन से आपने फॉर्म के लिए प्रॉफिट कमाया हो सपोज कीजिए कि, कि एक कोई थर्ड पार्टी थी और उनको आपकी फॉर्म का नेम पता है और उनको पता है कि ये फर्म बहुत फेयर डील करती है इसकी अच्छी रेपुटेशन है और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा कर बिजनेस कनेक्शन के थ्रू कि हमारी इस पार्टी के साथ डील होती है आप उस पार्टी से डील करके थर्ड किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो बट वो प्रॉफिट आप कैसे कमा रहे हो थ्रू द बिजनेस कनेक्शंस एंड लास्ट इज़ हाउ यू आर अर्निंग द प्रॉफिट फ्रॉम द नेम ऑफ द फर्म आप फर्म के नेम को यूज़ करके अपना पर्सनल प्रॉफिट या पर्सनल फ़ायदा गेन कर रहे हो सो so, ये सब चीज़ें देखते हुए अगर आपने कोई भी प्रॉफिट ऐसा कमाया है तो वो प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो गया है या आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे नो नॉट एट ऑल जस्ट आपको क्या करना है उस प्रॉफिट को यू हैव टू डिस्क्लोज आपको सबको बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ये कहीं से प्रॉफिट कमाया है और इस पर मेरा हक नहीं आप सबका भी हक है तो ये चीज़ अगर आप बता दोगे इट्स बी ओके बट इफ यू डू एनी फ्रॉड तब आप लाइबल हो गए तो अब समझ में आई बच्चे चीजें कि हमारा ये आ, आ, क्या कहता है कि दैट इफ यू डू एनी थिंग ही शेल पे इट टू द फर्म कोई भी आपने ऐसा प्रॉफिट अगर कमाया है वो आपको वापस किसको देना है फॉर्म को देना क्योंकि वो फॉर्म को ही बिलोंग करता है ऐसे ही इससे रिलेटेड एक केस है आपका बेंटले वर्सेस ग्रेवन बेंटले वर्सेस क्रेविन में क्या था बच्चे एक फॉर्म थी और वो फॉर्म क्या करती थी शुगर सप्लाई करते थे ठीक है वो कहीं शुगर सप्लाई करते थे शुगर सप्लायर्स थे तो वहाँ के जो पार्टनर थे वन पार्टनर ने क्या किया शुगर सप्लाई कहाँ करवाई अपने पर्सनल प्लेस पर कहीं शुगर सप्लाई करवा दी मींस जो पार्टनर्स को पता था कि ये हमारे कस्टमर्स है या ये डिलीवरी प्लेस होता है जहाँ पर ये सारी शुगर जाती है वहाँ ना होके एक पार्टनर ने अपने किसी पर्सनल गोदाम में या अपने पर्सनल यूज के लिए शुगर को बीच से ले लिया मतलब सप्लाई बीच में से ले ली तो यहाँ पर उसने क्या किया अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाया है और पर्सनल प्रॉफिट जब उसने कमाया है तो इसका मतलब कि उसको इस प्रॉफिट को या तो जाकर बताना चाहिए सारे पार्टनर्स को कि दैट आई डिड दिस थिंग एंड इफ एनी प्रॉफिट इज आउट ऑफ दिस आई विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग यू ऑल राइट और अगर आप ये नहीं करते हो तो देन यू आर डूइंग द फ्रॉड विद अदर्स राइट बच्चे सो दिस इज द कंसेप्ट जो आपको सबको बताना है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी नाउ नेक्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल मीन्स आपकी नेक्स्ट ड्यूटी बनती है कि आपको अपने पार्टनर्स के साथ बिल्कुल ही फेथफुल कॉन्फिडेंशियल जस्ट फेयर रहना है सो पार्टनर मस्ट वर्क विद अटमोस्ट फेयरनेस सॉरी दैट इज विद अटमोस्ट फेयरनेस आपको बिल्कुल जस्टिफाई करना है अपने हर एक्ट को बेनिफिट फर्म का हमेशा सोचना है अपने पर्सनल बेनिफिट को आपको सेकंड ऑप्शन में रखना है अगर आपको दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जहां पर एक फर्म का प्रॉफिट हो रहा है और आपका लॉस हो रहा है तो आपको फर्म के प्रॉफिट के लिए पहले सोचना होगा बिकॉज यू आर नाउ एक्टिंग एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म राइट एंड नेक्स्ट थिंग वट दिस ड्यूटी से इज दैट इफ एनी पार्टनर इज गिल्टी ऑफ एनी कंडक्ट मीन्स कोई भी ऐसे काम के लिए अगर वो गिल्टी ठहराया गया है डिस्ट्रॉय destroy क्या करता है अगर उसका कोई एक्ट क्या डिस्ट्रॉय करता है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जो हर पार्टनर का एक दूसरे पर एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ हुआ है अगर वो कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है कोई ऐसा एक्ट करने से किसी पार्टनर के तो दैट कैन बी द रीजन फॉर वट डिजोल्यूशन आपका फर्म अगर आपको डिजोल्व करनी है और उसके लिए आपको एक ऐसा कारण मिल गया है जिस वजह से आपके म्यूचुअल कॉन्फिडेंस पर अफेक्ट हुआ है मीन्स आपके म्यूचुअल रिलेशन खराब हुए हैं तो वो एक परफेक्ट कारण होगा अगर आप फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं मैं ये आपको एक केस से समझाती हूँ बच्चे एक केस था एबॉट वर्सेस ट्रम्प एज यू कैन सी इस केस में क्या था देर वर टू पार्टनर्स लेट्स टेक एन एग्जांपल दो पार्टनर थे ए एंड बी सो क्या हुआ ए ने पाया कि जो बी है बी के कुछ रिलेशन uh, मिले किसके साथ ए की खुद की वाइफ के साथ ओके okay? ये सपोज कीजिए ए की वाइफ है सो ए फाउंड दैट बी वाज हैविंग एन एडल्ट्री विद हिज वाइफ सो दिस इज द केस कि यहाँ पर ए का भरोसा टूटा है व्हाट कॉन्फिडेंस ही हैव ऑन द बी एज अ पार्टनर वो बी ने तोड़ा है तो ए नाउ डोंट वांट टू बी carry on this partnership further and this is the best ground he can go for dissolution. But notice they said that I don't want to be uh, the part of this firm here, yeah, this business, this partnership, right? So much my duty. Now, the next duty, what it says is, ड्यूटी टू रेंडर द ट्रू अकाउंट्स आपकी क्या ड्यूटी बनती है एज अ पार्टनर कि अगर आप कोई अकाउंट संभाल रहे हो या आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म जो इंफॉर्मेशन आपको दूसरों को बतानी चाहिए तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रू अकाउंट्स बेसिकली विथ कि आपको जितना भी ट्रू प्रॉफिट या लॉस हुआ है जितना भी आपको प्रॉफिट कहीं हुआ है कोई लॉस हुआ है कहीं से कोई परसेंटेज शेयर का हुआ है एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द अकाउंट्स यू हैव टू डिस्क्लोज इट टू द अदर पार्टनर अगर कोई पार्टनर आपसे मांग रहा है वो इंफॉर्मेशन आपकी तो कंप्लीट ड्यूटी बनेगी कि आपको वो बतानी ही पड़ेगी यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट राइट नाउ द नेक्स्ट इज ड्यूटी टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म आपकी नेक्स्ट ड्यूटी क्या बनती है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस फॉर्म को अफेक्ट कर सकती हैं लेटर ऑन वो सारे डिसीजन वो सारी इंफॉर्मेशन सारी बातें आपको दूसरे पार्टनर्स को बतानी पड़ेंगी सो so, बच्चे वट बेसिकली दिस ड्यूटी सेज दैट यू हैव टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग इट्स इट अबाउट द फर्म ओके

मीन्स आपको ऐसे कोई भी फैक्ट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन को कंसील नहीं करना है छुपाना नहीं है अगर आप ऐसा करोगे तो आप लेटर अराउंड क्या हो अपने पार्टनर्स के लिए लाइबल होगे आपको वो बताना ही पड़ेगा नाउ द नेक्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टू इंडेनिफाई फॉर फ्रॉड कि आपने अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड किया है ऑन योर पार्ट अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म आपने फर्म के बिजनेस में कोई ऐसी चीज या फ्रॉड किया है तो आपकी खुद की ड्यूटी बनती है कि आप उस फ्रॉड को या जो भी वो लॉस हुआ है उसको क्या करोगे फुलफिल करोगे राइट सो दैट एवरी पार्टनर शल इंडेमनीफाई द किसको इनडेमनीफाई करना है आपको फर्म को फॉर एनी लॉस कोज टू इट बाय हिज कंडक्ट मीन पार्टनर के कंडक्ट से अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो उसकी फुलफिलमेंट भी कौन करेगा वही पार्टनर करेगा क्योंकि वो उसके पार्ट पर फ्रॉड हुआ है एंड दैट लॉस इज फेस्ड बाय द फर्म ड्यू टू हिज कंडक्ट ड्यू टू हिज एक्ट एंड नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ दैट पार्टनर टू फुलफिल दैट सो फॉर टूडे वी हैव डिस्कस्ड बेसिकली मेजर फाइव ड्यूटीज पार्टनर्स हैव किसके अगेंस्ट टूवर्ड्स फर्म एंड दीज ड्यूटीज आर श्योरली टू बी परफॉर्म To be to be maintained by the partner so with this the session is over and in next session we will discuss some more duties till then keep watching keep sharing have a nice day thank you